नमस्कार, आप देख रहे हैं यू फॉर यू आई। सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। जम्मू में महिलाओं ने करवा चौथ पर जमकर की खरीदारी और उत्साह से किया साजो सिंगार। टोल प्लाजा के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों की आज राज्यव्यापी हड़ताल। जम्मू आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए बाहु फोर्ट का होगा कायाकल्प। फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी समेत अन्य महिलाएं जमानत पर रिहा, प्रदर्शन के दौरान हुई थी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। करवा चौथ का त्यौहार हर सुहागन के लिए सबसे खास त्यौहार होता है। हिंदी मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से पति की आयु लंबी होती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। करवा चौथ का व्रत केवल सुहागन महिलाएं ही नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। सुहागिन महिलाएं द्वारा रखे जाने वाले इस व्रत को लेकर कुंवारी युवतियों में भी काफी उत्साह है। सुहागिनें जहां पति की लंबी आयु के लिए, तो विवाह योग्य कुंवारी युवतियां चांद जैसा व मनचाहा पति पाने की कामना के साथ ये व्रत करती हैं। इस व्रत को लेकर जम्मू में भी सुहागिनों और कुंवारी लड़कियां दोनों ही मेहंदी लगाने से लेकर हार श्रृंगार के लिए ब्यूटी पार्लरों में सजने और संवरने में व्यस्त हैं। शादी के बाद जिन नवविवाहित लड़कियों का पहला करवा चौथ है, उनके घरों में तो उत्सव सा माहौल है और इस व्रत को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। सरो टोल प्लाजा समेत ट्रांसपोर्टरों से जुड़े अन्य नियमों के विरोध में आज राज्यव्यापी हड़ताल रहेगी। ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की हड़ताल में लखनपुर से श्रीनगर तक चक्का जाम का ऐलान किया है। हड़ताल में बसें, मिनी बसें, ऑटो और टैक्सी वाहनों को शामिल किया गया है। वहीं 14 अक्टूबर से जम्मू कठुआ रूट की बसें और सरो टोल प्लाजा के रूटों से जुड़ी मेटाडोर पहले से बेमियादी हड़ताल पर हैं। हड़ताल में लगभग 10,000 वाहन शामिल होंगे। ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष टीएस वजीर ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों के प्रति सरकार की गलत नीतियों के चलते उन्हें मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने सरकार को 15 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। वजीर ने कहा कि 19 सितंबर और 2 अगस्त को ट्रांसपोर्टरों ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। राहत देने के बजाय अब सरो टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया है। कठुआ बस सर्विस के महाप्रबंधक रशपाल सिंह ने बताया कि 3 दिन में लाखों का घाटा हुआ है, ट्रांसपोर्टर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जम्मू में आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए जम्मू विकास प्राधिकरण बाहु फोर्ट का कायाकल्प करने जा रहा है। बाहु फोर्ट में बावे माता मंदिर परिसर से लेकर मुख्य सड़क तक जेडीए इलाके का सौंदर्यकरण करेगा। इसमें लैंडस्केपिंग के साथ बावे वाली माता मंदिर परिसर का सौंदर्यकरण शामिल है। बावे वाली माता मंदिर में पर्यटकों को लुभाने के लिए जेडीए का प्रयास है कि यहां उन्हें पर्याप्त पार्किंग सुविधा के साथ समय बिताने के लिए रोका जा सके। गेट के नजदीक पार्किंग बनाने के साथ फव्वारे, लैंडस्केपिंग, दीवारों पर सांस्कृतिक कलाकृतियां, जल स्रोत, शेर बकरी तैयार करेगा। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों को जम्मू में आने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। बावे पहुंचते ही पर्यटक यहां बावे वाली माता मंदिर जाना चाहेंगे। साथ ही केबल कार प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है। जल्द ही इस गंडोला के शुरू होने से पर्यटकों का यहां आना जाना बढ़ जाएगा। पर्यटक बावे माता के दर्शन के लिए भी रुकेंगे। जेडीए का दावा है कि करीब 6 महीने में इन कार्यों को जमीन पर उतरते देखा जा सकेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की बहन व बेटी समेत अन्य महिला प्रदर्शनकारियों को बुधवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन्हें मंगलवार को राज्य में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल्ला की बहन सुरैया और उनकी बेटी साफिया और 11 अन्य महिलाओं को धारा 107 के तहत 10,000 रुपए के निजी मुचलके और 40,000 रुपए के जमानत राशि का भुगतान करने के बाद रिहा किया गया। केंद्रीय जेल श्रीनगर में बंद महिलाओं को बुधवार शाम 6 बजे के आसपास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत दे दी। 5 अगस्त के बाद राज्य के अधिकारियों ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला सहित विभिन्न राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया गया था। फारूक अब्दुल्ला को पिछले महीने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ अभी तक के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।